हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी जो क्लास 10 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका सिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज अमिस विद अस। व्हाट इज अमिस विद अस, अमिस का मतलब है कमी, चूक, है ना। यानी हम में कमी कहाँ है, हमारे अंदर क्या कमी है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ चूक हो रही है हमसे, है ना। हमारे अंदर क्या लैकिंग है, ठीक है ना। तो बेटा हमारा देश देखो बहुत खूब सारी प्रगति कर रहा है ना। वैज्ञानिक प्रगति हो रही है ना, औद्योगिक प्रगति हो रही है, ठीक है ना, सामाजिक उन्नति भी हमारे देश में हो रही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ओर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो सामान्य व्यवहार से संबंधित हैं, है ना, जो सामान्य नागरिक व्यवहार होता है उससे संबंधित हैं। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा इसमें, है ना, जो इसी चैप्टर से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर्स हैं, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला चित्र जो है बेटा, ये है भाखड़ा नांगल बांध का। किसका है ये? भाखड़ा नांगल बांध का है, पंजाब के अंदर है, बहुत सतलज नदी पर जो है ये बेटा, है ना, बहुत बड़ा एक विशाल बांध है, ठीक है। तो ये एक बहुत, ये भी क्या है, हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बगल में देखो ये बेटा एक स्टील प्लांट है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, स्टील की चादर है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं इस तरह से, उनमें स्टील की क्या बनती हैं, चादरें बनती हैं। तो हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे प्लांट्स भी हैं, स्टील प्लांट्स भी हमारे देश में हैं। फिर इसमें आपको ये थर्ड नंबर, ये वाला जो चित्र है, ये है बच्चों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का, है ना बेटा। ये किसका चित्र है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का, है ना। तो हमारे देश के अंदर बहुत काफ़ी सारे, है ना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनसे कि विद्युत उत्पादन हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है। तो ये भी क्या है, हमारे देश की एक प्रगति का जीता जागता उदाहरण है। अब हम देखो कुछ चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे आते हैं। अब ये व्यक्ति देखो आप, है ना, ये कितने सारे माइक लेके जा रहा है ना। तो ये क्या है बताओ? नॉइज पॉल्यूशन, है ना। यानी यहाँ हम गलती कर रहे हैं, जो चीज़ हमको सामान्य स्वर में हमको आनंद दे सकती है ना, उसको हम इतना भोंपू लगा के, कान फोड़ू संगीत के द्वारा दूसरे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं, है ना। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, ये एक क्या है, समस्या है हमारे देश के लिए, है ना। अच्छा अब ये देखो बेटा, है ना, ये धूम्रपान, है ना, क्या है ये धूम्रपान, देखो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, है ना, और कितना बड़ा नुकसान होता है बेटा इससे। आज हमारे देश की जो ग्रामीण आबादी है उसमें कितने सारे लोग, है ना, धूम्रपान के आदी हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरह से अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। युवा जो हैं आजकल, वो फैशन के नाम पे बेटा, है ना, स्मोकिंग करते हैं, है ना। ये देखो ये सिगरेट जो है, ये इस व्यक्ति को ही निगल रही है ना। कितना मतलब सटीक इसमें चित्र दिखाया गया है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये स्मोकिंग जो है, इस चैप्टर में इस स्मोकिंग के बारे में भी आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें दिखाई है ना मैंने आपको, भाखड़ा नांगल बांध दिखाया, स्टील पावर प्लांट दिखाया, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया, फिर ये धूम्रपान, है ना, फिर और देखो ये देखो बेटा, है ना, यानी लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, नागरिक बोध नहीं है। देखो ये हमारे देश की जनसंख्या तो खैर बहुत ज़्यादा है ही, है ना, क्या स्थिति हो रखी है ट्रेन में, है ना, लोग कैसे कितना अपनी जीवन को दांव पे लगा के और यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सनक है। ये देखो बेटा दूसरा, ये एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है ना, अब इसके पास में महिला खड़ी है, इसका बच्चा खड़ा है, इनके ये जो है ना जबरदस्ती इनको धुआं सूंघने को मिल रही है। तो इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं हम। तो ये पैसिव जो स्मोकिंग है, ये परोक्ष जो धूम्रपान है, ये उससे भी ज्यादा हानिकारक होता है। ये देखो बेटा सिविक सेंस, है ना, कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा, कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है ना। इस भाई साहब को देखो आप, कितनी धुआं निकल रही है इनकी मोटरसाइकिल में से, दिख रहा है ना आपको बेटा, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई पीछे कि आपकी मोटरसाइकिल कितने धुआं निकाल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो
जिनको अपने व्हीकल्स जो होते हैं उनकी सर्विस ही वो लोग नहीं कराते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए बेटा, ये भी क्या है, एक कार जा रही है, वो कितना सारा धुआं निकाल रही है ये ना, तो कितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। और ये चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा, लोग देखा होगा आप लोगों ने घर के आगे, है ना, कितना आगे निकाल लेते हैं, सड़कों पर क्या कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो म्यूनिसिपल की जो जेसीबी मशीन है, ये इस अतिक्रमण को क्या कर रही है, तोड़ रही है ना। लोगों का बस चलता है किसके ऊपर, सड़कों के ऊपर, और सड़कों को क्या करते जाते हैं, छोटी करते चले जाते हैं। अब ये देखो इस बच्चे ने, है ना, आइसक्रीम खाई और उसका रैपर क्या है, जमीन पे ही, सड़क पे ही पटक दिया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक सामान्य सिविक सेंस का उल्लंघन है ना। इन भाई साहब को देखो ये, है ना, ये क्या कर रहे हैं, जो बेटा सरकारी इमारतें होती हैं, है ना, जैसे किले हैं, है ना, आज जैसे आमेर का किला है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है, जो पुरानी इमारतें होती हैं उनको लोग, है ना, इस तरह के चित्र बना देते हैं उन पे अपने प्यार का इजहार करने के लिए, झूठा जो होता है ना। तो ये सब क्या है, जो देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसकी जो छवि है दूसरे देशों में, जो लोग यात्रा, जो पर्यटक होते हैं उनके अंदर हमारी छवि भी क्या होती है, बहुत खराब होती है ना। ये देखो बेटा, ये स्ट्रे काउज है ना, तो इन्होंने, गायें जो है सड़क पे आ गई हैं, तो ये जो है ना, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, ट्रैफिक को व्यवधान पहुंचाते हैं। ये देखो आप, इसमें क्या है, ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है ना, बस आए दिन लोग, है ना, अपना बस फोटो खिंचाने के लिए अखबार में, और इस तरह के जो है ना कारनामे, यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया जा सकता है, लेकिन उग्र प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी क्या है, इन छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। फिर ये देखें आप, इन्होंने ये रेल रोक दी है ना, रेल के आगे क्या कर दिया, खड़े हो गए ये, ठीक है। तो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है ना, जो गांधी जी का तरीका था, है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, खुद के शरीर को कष्ट देना होता है। तो यहाँ खुद को कष्ट तो दे नहीं रहे लोग, है ना, ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचा रहे हैं। किसी को माना कहीं जाना हो, किसी का कोई इंटरव्यू हो, तो उसकी बेचारे की ट्रेनिंग कैंसिल हो गई इनकी वजह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने, वो चित्र मैंने आपको दिखाए, ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं इस लेसन की। वॉट इज अमिस विद अस, हमारे अंदर कमी क्या है, आखिर हम गड़बड़ कहाँ है, ठीक है ना, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। वॉट इज अमिस विद अस, इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमता, इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, भारतीय बुद्धिमता। अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हमारा जो देश है ये बुद्धिजीवियों का देश है, हमारे देश में बुद्धिमान लोग रहते हैं। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ सियर पेट्रियटिज्म, ये मैं मात्र देशभक्ति के लिए की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं मेरे देश के प्रति स्वामी भक्त हूँ, देशभक्त हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शियर पेट्रियोटिज्म, ये मैं मात्र देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सच है कि हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रोड, कई सारे अध्ययन हुए हैं, होम यानी घर के अंदर, घर का मतलब क्या है, देश के अंदर, और अब्रोड विदेशों में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, है ना, हमारे देश के अंदर और विदेशों में भी, हैव रिवील्ड, और उन सब लोगों, उन सारे अध्ययनों ने, उन सारे सर्वेज ने, है ना, ये उद्घाटित किया है, ये बताया है कि हमारा जो देश है ये किसका है, नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है। नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया था, एक सर्वे किया गया था, इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूलों में, टू फाइंड आउट, यह पता करने के लिए, चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कि किस देश के बच्चे एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धिमता में श्रेष्ठ हैं, है ना। तो ये एक ब्रिटेन के स्कूलों में एक अध्ययन किया गया था।
इट वॉज डिस्कवर्ड, यह पता चला दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो यह पता चला कि जो भारतीय बच्चे थे, बच्चे होते हैं, वो अन्य देशों के निवासियों, नेटिव्स यानी निवासियों से क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उस अध्ययन से ये पता चला। इफ दैट इज द ट्रू, इफ दैट इज द ट्रूथ, अगर यह सच्चाई है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड द अदर सुपर पावर्स, तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं। लैगिंग बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे हो, पीछे रह रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, किससे, अदर सुपर पावर्स, अन्य जो महाशक्तियां हैं, अन्य महाशक्तियों में है ना बेटा, जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया है ना, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड है ना, चाइना, जापान, ठीक है ना, तो ये जो है कोरिया, ये सब क्या है, विकसित देश हैं, ठीक है ना, तो हमारा देश इनसे क्यों पिछड़ रहा है। यानी एक तरफ ऊपर कहा गया है कि अध्ययन किया गया कि भाई किस देश के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, है ना, तो उसमें पाया गया कि भारतीय बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि हम अन्य सुपर पावर से पिछड़ रहे हैं। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू द टू अदर अफ्लुएंट नेशंस, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन, है ना, देखा होगा बेटा हमारे जो, हमारे देश के जो बच्चे होते हैं पढ़ लिख कर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, IITs हो गई, IIM हो गए, है ना, और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है ना, जो बड़े बड़े हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, वहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर और कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन, यानी ब्रेन खाली हो गया, अर्थात हमारे देश से ब्रेन, हमारे देश का जो जो शानदार क्रीम दिमाग था वो कहाँ चला गया, दूसरे देशों में चला गया। तो लेखक कह रहे हैं, वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर अफ्लुएंट नेशंस, अफ्लुएंट का मतलब होता है विकसित, है ना, राष्ट्रों में, तो वो तो पहले से ही विकसित हैं, जिन देशों में हमारे देश के बच्चे पलायन करके वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो देश तो ऑलरेडी ही विकसित हैं, है ना, अफ्लुएंट हैं, वो समृद्ध हैं, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि, यानी ये सब होने के बावजूद भी हम अन्य सुपर पावर से क्यों पिछड़ रहे हैं, हमारे देश से, है ना, अन्य विकसित देशों में, अन्य समृद्ध देशों में प्रतिभा का पलायन क्यों हो रहा है। वाई अवर इम्पोर्ट्स एक्सीड्स अवर एक्सपोर्ट्स, है ना, इम्पोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट का मतलब आया, निर्यात, तो हमारे जो आयात हैं वो निर्यातों से ज़्यादा क्यों हैं, अर्थात हम ज़्यादा वस्तुओं को दूसरे देशों से क्यों मंगाते हैं, हमारे देश में ही हम उनका उत्पादन क्यों नहीं कर लेते हैं। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अमेस, लेखक कह रहे हैं वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस, है ना, हम विकसित राष्ट्रों की ओर क्यों हाथ फैलाते हैं, उनकी ओर क्यों देखते हैं याचना भरी नज़रों से, फॉर हेल्प, मदद के लिए, एंड एड, हेल्प एंड एड का मतलब एक ही होता है ना, सहायता के लिए, मदद के लिए हम विकसित राष्ट्रों की तरफ क्यों देखते हैं। आपको पता है बेटा हमारे देश में, है ना, हमारे देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा दूसरे कंट्रीज़ का है, विश्व बैंक का है, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों है। वेयर वी आर अमिस, हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमारे अंदर कमी क्या है, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अब लेखक कहते हैं, सेइंग सो, ऐसा कहने का डज नॉट मीन, यह मतलब नहीं है, आवर प्रोग्रेस इज नॉट, कि हमारी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो बिल्कुल जीरो है। लेखक कह रहे हैं मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई मैं जो ये वाली बात बता रहा हूँ तो मेरा ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि हमारे देश में जो प्रगति है वो क्या है, शून्य है, जीरो प्रोग्रेस है हमारे यहाँ। भाखड़ा नागल डैम्स, है ना, द भाखड़ा नागल डैम्स, बताया ना मैंने आपको चित्र दिखाया था, भाखड़ा नागल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तो ये बड़े बड़े है ना इस्पात संयंत्र हैं, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, है ना, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, एक नाभिकीय संयंत्र दिखाया था ना मैंने चित्र में आपको, तो तारापुर महाराष्ट्र में है ये एक नाभिकीय संयंत्र, एटसेट्रा आदि आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारे जो बिग अचीवमेंट्स हैं, बड़ी उपलब्धियां हैं, उनमें से कुछ हैं, अर्थात हमारे
देश ने भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब ये ऊपर वाली बातें बताई हैं आपको कि हम अन्य विकसित देशों से क्यों पिछड़ रहे हैं, हमारे यहाँ से प्रतिभा का पलायन क्यों हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हमारी क्रीम बच्चे हैं वो हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं, समृद्ध हैं वो देश ऑलरेडी, हमारे जो आयात हैं वो हमारे निर्यातों से ज़्यादा क्यों हैं, हम मदद के लिए दूसरे देशों के आगे अपनी झोली क्यों फैलाते हैं, अर्थात हमारे अंदर कमी क्या है ना। तो लेखक एक इन चीज़ों के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ में लेखक ये भी कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश की प्रगति क्या है, नॉट है, NOUGHT, नॉट, नॉट यानी शून्य, नीलबटा सन्नाटा, ठीक है ना, तो जीरो है ऐसा नहीं है। भाखड़ा नांगल, अब लेखक उदाहरण दे रहे हैं, भाखड़ा नांगल बांध है हमारे यहाँ, और बहुत सारे बांध है, तो कुछ उदाहरण दिए इन्होंने, तो भाखड़ा नांगल बांध है, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर के स्टील प्लांट हैं, तारापुर का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कुछ उदाहरण हैं हमारे बड़े उपलब्धियों में से, कुछ उदाहरण हैं ये। बट लेकिन इन द ग्रैंडर ऑफ बिग, इस बड़े की चमक दमक में, ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब क्या होता है, चमक है ना, इस बड़े की चमक दमक में स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, है ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हमने क्या कर दिया है, अनदेखा कर दिया है ना, यानी इन बड़ी चीजों की चमक दमक में, है ना, हमने छोटी छोटी चीजों को क्या कर दिया है, अनदेखा कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। ई एफ सुमाकर, ये एक लेखक थे बेटा, ई एफ सुमाकर वॉज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं थे, वेन ही कैप्शंड हिज बेस्ट सेलर, जब उन्होंने अपनी एक बेस्ट सेलर किताब थी जो बहुत बिक्री हुई जिसकी, है ना, उसका नाम रखा, कैप्शन का मतलब क्या होता है, जब उसका नाम रखा उन्होंने, क्या नाम रखा था उन्होंने, ई एफ सुमाकर ने अपनी एक बेस्ट सेलर बुक थी जिसका उन्होंने नाम रखा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके अंदर भी सुंदरता निहित होती है। हेयर आर ए फ्यू इंस्टेंसेस, यहाँ मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ घटनाओं का वर्णन करूँगा, कुछ बातों का वर्णन करूँगा, टू शो, दर्शाने के, लेखक कह रहे हैं दर्शाने के लिए, हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल, कि किस प्रकार से इन छोटी छोटी चीज़ों की अनदेखी, बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज, ये छोटे तो हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, है ना, उन्होंने, जिन्होंने की हैज़ हेम्पर्ड अवर ग्लोरी, हमारी जो शान है, हमारी जो चमक है ना, हमारी जो समृद्धि है उसको क्या कर दिया है, हेम्पर कर दिया है, उसको प्रतिरुद्ध कर दिया है ना, उसको रोक दिया है, उसमें प्रतिरोध पैदा कर दिया है। तो लेखक कह रहे हैं मैं यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दूंगा, कुछ ऐसी छोटी चीज़ों का जिनकी नेग्लेक्ट ने, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी नेग्लेक्ट ने हमारे देश की प्रगति को, हमारे देश की शान को, चमक को क्या कर दिया है, प्रतिरुद्ध कर दिया है, प्रतिरोध कर दिया है, उसको कम कर दिया है, रोक दिया है। अब ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध। सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध का मतलब क्या है बेटा, देखो ऐसे समझो आप, है ना, कि हम जो है ना वो छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जैसे इसमें बताया भाई ट्रैफिक सेंस का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का, है ना, ये छोटी सी बात है ना, ये हमको दर्शाती है कि भाई हम कितने सभ्य नागरिक हैं देश के, ठीक है ना। और इसके अलावा ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, अगर हम, है ना, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचे, है ना, दूसरे को हमारी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह का हम संगीत बजाएं, ठीक है ना, कम वॉल्यूम पे बजाएं उसको, ठीक है ना, स्मोकिंग नहीं करें हम, दूसरों को उससे क्या नहीं हो, हानि नहीं हो, ठीक है ना, बस में, ट्रेन में, कहीं अगर हम यात्रा कर रहे हैं, जब चढ़ें उतरें तो धक्का मुक्की नहीं करें, ये छोटी छोटी बातें हैं, जो चित्र दिखाए थे मैंने आपको, हमारा जो व्हीकल है उनको हम जो है ना उनकी समय समय पर सर्विस कराते रहें, जिससे वो धुआं नहीं छोड़ें, है ना, प्रकृति को क्या नहीं करें, पॉल्यूट नहीं करें, वो प्रदूषित नहीं करें, है ना। और विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, जो गांधी जी ने बताया, अहिंसा का मार्ग, भूखे रहो ना, है ना, सड़क जाम करने से क्या होता है, ठीक है ना, तो हंगर जिसको बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करो आप, है ना, एक जगह बैठ जाओ चुपचाप। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या है, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, और नागरिक बोध से संबंधित हैं, जिनकी की हमने क्या करी है, अनदेखी करी है।
हेयर वी आर एट लोएस्ट एब, पायदान है ना, यहाँ हम सबसे नीचे पायदान पर हैं, सबसे नीची रैंकिंग पर हैं, सबसे नीची स्थिति में हम यहाँ हैं, नीची सीढ़ी पे हैं सबसे हम यहाँ पर, किसमें, सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस में जो हमारा देश है वो सबसे नीची सीढ़ी पे है, सबसे नीचे पायदान पे है। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, चाहे हम किसी यात्रा पे जा रहे हों या मॉर्निंग वॉक घूमने फिरने जा रहे हों, ए फीस्ट और ए फेयर, चाहे कोई दावत हो रही हो या कोई मेला हो, ए मीटिंग हो, कोई मीटिंग हो या एक गैदरिंग हो, लोग इकट्ठे हुए हों, ए सीरियस स्टडी, चाहे कोई गंभीर अध्ययन हो, और लेजर आवर या आराम के क्षण हों, आराम के पल हों। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, हम में से अधिकांश है ना अनदेखा करते हैं, ठीक है ना, किनका, मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, जो न्यूनतम मानवीय है ना मूलभूत मानवीय जो डिसेंसीज होते हैं, सभ्यता जो होती है, शिष्टाचार जो होता है ना, मूलभूत मानवीय जो शिष्टाचार है उनकी हम क्या करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, है ना, क्रास इग्नोर एग्जिबिट प्रदर्शित करते हैं, क्रास इग्नोरेंस है ना, क्रास इग्नोरेंस का मतलब, क्रास का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरों के प्रति कोई भी केयर नहीं दर्शाते हैं तो उसको क्रास बोलते हैं, और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी अनदेखा, तो दूसरों की केयर के प्रति हम अनदेखी करते हैं, और जो मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज हैं, जो न्यूनतम मानवीय है ना मूलभूत मानवीय शिष्टाचार है, उसको हम क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, चाहे हम किसी जर्नी पे जा रहे हों, वॉक पे जा रहे हों, मेले में हों, फेयर में हों, है ना, दावत में हों, फेयर में हों, मीटिंग में हों, चाहे गैदरिंग में हों, चाहे हम कोई गंभीर अध्ययन कर रहे हों या आराम के क्षण हों, हम भारतीय लोग जो मूलभूत मानवीय शिष्टाचार है उनमें क्या है, हम बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति, दूसरों की जो केयर होती है ना, उसके प्रति हम अनदेखी शो करते हैं, दर्शाते हैं। लेट अस सी, आओ देखते हैं, लेट अस सी हाउ एंड वेयर, कहाँ पर और कैसे, वी लैक इन, हम पिछड़ रहे हैं है ना, अवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, हम हमारे सामाजिक व्यवहार और जो नागरिक बोध है उसको उत्पन्न करने में, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, पैदा करना, उत्पन्न करना, तो हम के आओ देखते हैं हम कहाँ, कैसे और कहाँ नागरिक व्यवहार और नागरिक बोध, सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध को उत्पन्न करने में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, वी लैक इन, कहाँ हम पीछे हैं। तो फर्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन, मैंने दिखाया था ना बेटा, है ना, ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मीन्ड फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स, है ना, जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसका एक मात्रक होता है बेटा, उसको डेसिबल्स में नापते हैं हम, किस में नापते हैं, डेसिबल्स में नापते हैं, ठीक है ना। तो जो मानवीय कान है, मानव का जो कान है, ये कुछ सामान्य जो रेंज होती है डेसिबल्स की, सामान्य रेंज को ही सुनने के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है ना, अर्थात एक सामान्य सीमा होती है ध्वनि की, है ना, उस तक ही हमारा कान जो है वो साउंड को क्या कर सकता है, रिसीव करता है, उसी के लिए ये बना है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, अगर उस मात्रा से ज़्यादा साउंड कान तक पहुंचती है, साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, उस मात्रा से ज़्यादा अधिक साउंड कान तक पहुंचती है, तो ये वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, है ना, तो ये सिर्फ कान के लिए पीड़ादायक ही नहीं होगी, है ना, जेरिंग का मतलब क्या होगा, पीड़ादायक बोल दो, है ना, अप्रिय बोल दो, कर्कश बोल दो, ये सिर्फ वही नहीं होगी, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू अवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, है ना, तो ये सिर्फ हमारे कानों के लिए सिर्फ अप्रिय ही नहीं होगी, बल्कि ये हमारी जो श्रवण इंद्रिय हैं, कान की जो श्रवण इंद्रिय हैं उनको भी डैमेज करने के लिए पर्याप्त होगी, अगर हम एक निश्चित मात्रा के डेसिबल्स से अधिक मात्रा में डेसिबल्स की ध्वनि को हम सुन रहे हैं। तो हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने लोग इसकी
केयर करते हैं, है ना, कितने लोग इस पर ध्यान देते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, चाहे कोई टीवी प्रोग्राम हो, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे कोई रेडियो प्रसारण हो। प्लेइंग ए टैप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई टैप रिकॉर्डर बज रहा हो या कोई अन्य उपकरण बज रहा हो, है ना, यंत्र बज रहा हो ध्वनि का, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। इवन ए गॉसिप, चाहे कोई गपशप कर रहा हो, और ए चिट चैट या बात कर रहा हो इन ए कंपनी, लोगों की कंपनी में अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर रहे हो। ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच, सब जगह तेज तीखी, है ना, तीव्रता वाली आवाज़ें सुनी जाती हैं, ठीक है ना। तो चाहे वो टीवी बज रहा हो तो तेज़ आवाज़ में होगा, रेडियो पे प्रसारण हो रहा हो तो भी तेज़ आवाज़ में करेंगे हम लोग, चाहे कोई टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं तो भी तेज़ आवाज़ में बजाएंगे, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो भी उसको बहुत तेज़ आवाज़ में बजाएंगे, चाहे गपशप कर रहे हों या दोस्तों की कंपनी में चिट चैट कर रहे हों, है ना। ये सब जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, ये बहुत ऊंची तीव्रता पर लोग इनको करते हैं, ठीक है ना। वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है हम तो इसके आदि हों, वी मे बी यूज टू इट, भाई जैसे जो व्यक्ति रेडियो बजा रहा है उसको तो मजा आ रहा है ना, क्योंकि वो उसका क्या है, आदि हो गया है, यूज टू हो गया है, ठीक है ना। वी मे बी यूज टू इट, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनका क्या जो हमारे आसपास रहते हैं। वी मे बी यूज टू इट, हम इसके आदि हो सकते हैं, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनका क्या जो हमारे आसपास रह रहे हैं। अवर नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, हो सकता है जो हमारा पड़ोसी है वो कोई, है ना, सीरियस स्टडी कर रहा हो, है ना, कोई गंभीर विद्यार्थी हो, वो अध्ययन कर रहा हो किसी, माना कोई बहुत बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, हमको तो पता नहीं है ना, है ना। ए सिक पर्सन, हो सकता है जो हमारा पड़ोसी है वो एक बीमार व्यक्ति हो, और या और ए पीस लविंग बीइंग, या एक शांति पसंद करने वाला व्यक्ति हो, है ना, और ए पीस लविंग बीइंग या शांति पसंद करने वाला व्यक्ति हो। अब हमें तो नहीं पता ना कि हमारा पड़ोसी कैसा है, लेकिन हम बिना उसकी भावनाओं की कद्र किए, और हमारे जो ध्वनि प्रसारण यंत्र हैं, टीवी, रेडियो, है ना, इन सब चीज़ों को इतने तेज वॉल्यूम में हम बजाते हैं, है ना। Have we ever thought of him? क्या हमने कभी हमारे उस पड़ोसी के बारे में सोचा है जो सीरियस स्टूडेंट हो सकता है, बीमार हो सकता है, या शांति पसंद हो सकता है, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है। How much agony do we cause to him, her? हम उसके लिए कितनी पीड़ा का कारण बन जाते हैं। Agony यानी पीड़ा, कष्ट, तो हम उसके लिए कितनी पीड़ा या कष्ट का कारण बन जाते हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हमारा पड़ोसी जो बेचारा वो ठंडे दिमाग का है, है ना, उसका स्वभाव कैसा है, थोड़ा शांत है, नरम स्वभाव है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी बेचारे की बैंड ही बजा दो तुम, है ना। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेरल विद अस, है ना, और वो हमसे क्या नहीं कर रहा है, झगड़ नहीं रहा है, हमसे वो झगड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो बेचारा क्या है, कूल टेम्परामेंट का है, है ना, ठंडे स्वभाव का है वो, है ना, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है, और वो बेचारा सफर्स इन साइलेंस, है ना, खुद ही घुटता रहता है, वो अंदर ही अंदर खुद ही परेशान होता रहता है। द पुअर फेलो, वो बेचारा जो पड़ोसी है हमारा, शट्स द विंडोज, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेता है, विंडोज एंड डोर्स, दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लेता है। And puts cotton in his ears, और यहाँ तक कि अपने कानों में रुई घुसेड़ लेता है, to reduce the impact of high pitched noises, है ना, इन तीव्रता वाली, उच्च तीव्रता वाली ध्वनियों के प्रभाव को, impact नहीं, प्रभाव को कम करने के लिए, reduce करने के लिए वो अपने कानों में क्या ठूंस लेता है, रुई ठूंस लेता है। When shall we learn the simple civic sense, लेखक कह रहे हैं कि हम कब सीखेंगे, When shall we learn, हम कब सीखेंगे the simple civic sense, ये simple सी जो नागरिक बोध की जो चीज़ें हैं, इनको आखिर हम कब सीखेंगे, हमारे अंदर बुद्धि कब आएगी। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, तो ये किसकी बात हो रही है, नॉइज़ पॉल्यूशन की बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की। तो चाहे कोई मैरिज सेरेमनी हो, शादी ब्याह हो, और एनी अदर फंक्शन, क्या दूरा या दूसरा कोई फंक्शन हो, है ना, कार्यक्रम हो, ए रिचुअल और ए प्रेयर, चाहे कोई रिचुअल हो रही हो, है ना, रीति रिवाज हो रही हो,
जैसे कुआ पूजन हो रहा हो, कुछ भी रिचुअल हो रही हो, है ना, या पाठ हो रहा हो, कोई भी हनुमान जी का, गायत्री माता का कोई भी पाठ हो रहा हो, है ना, या प्रार्थना हो रही हो, देयर इज जनरली ए फैशन। हाँ, और तुमने ये और पता, कुछ जो बुढ़े लोग होते हैं ना, वो हर मंगलवार शनिवार को क्या करते हैं, उसका हनुमान जी का पाठ करते हैं, है ना। वो खुद तो बुढ़े हो गए, अरे भाई धीमे ही कर लो ना, मन ही मन में गा लो, और माइक लगा के वैसे करते हैं पट्ठे लोग, है ना। अब उनके आसपास जो बच्चे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ने वाले, उनको कितनी परेशानी होती है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, बस उनको तो हनुमान जी के पाठ से मतलब है। अरे भाई, भगवान जो है वो आपके भाव का भूखा है, लाउड स्पीकर का भूखा नहीं है। अगर तुमको प्रार्थना ही करनी तो गले से चिल्लाओ ना, कौन रोक रहा है तुमको, इस इंस्ट्रूमेंट का क्यों प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, चाहे कोई मैरिज सेरेमनी हो या दूसरा फंक्शन हो, रिचुअल हो या प्रेयर हो, देयर इज जनरली ए फैशन, एक सामान्य फैशन बन गया है ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, के लोग लाउड स्पीकर को क्या करते हैं, किराए पे लाते हैं। हायरिंग ए लाउड स्पीकर, लोग लाउड स्पीकर को किराए पे लाते हैं। टू बी यूज्ड द लाउडेस्ट बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो वो लाउड स्पीकर तो किराए पे लाएंगे ही, बजाय उस बिसाइड्स के अलावा, है ना, टू बी यूज द लाउडेस्ट। और उसको कैसे बजाएंगे, फुल वॉल्यूम पे बजाएंगे, लाउडेस्ट बजाएंगे उसको, इस किसके अतिरिक्त, वो एंगेजिंग ए बैंड, बैंड के अलावा, एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और अन्य जो ध्वनि पैदा करने वाले जो यंत्र हैं, जैसे पटपड़ी बजाने वाला अलग होगा, बैंड बजाने वाला अलग होगा, माइक वाला अलग होगा, ढोल वाला, ढोल नगाड़े वाला अलग होगा। तो इस तरह से इतने सारे साउंड पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को लोग किराए पे लाते हैं। द पिच इज कैप्ट सो हाई, उसकी जो पिच है, तीव्रता है, वो इतनी ज़्यादा रखी जाती है, दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट सॉक्स, कि जो बेचारे सेंसिटिव बीइंग्स होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, उनको झटके लगते हैं, है ना, उनका दिमाग भन्नाने लग जाता है। इवन द स्टोन और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक, यहाँ तक कि भवनों की जो ईंटें और जो पत्थर होते हैं वो तक वाइब्रेट करने लग जाते हैं। शेक यानी हिलने का मतलब क्या है यहाँ पे, वाइब्रेट करने, कंपन करने लग जाते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और ऐसा इम्प्रेशन आता है, ऐसा भाव आता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, कि ये जो बिल्डिंग है ये गिर जाएगी इसकी वजह से, एक दिन, एक ने एक दिन इसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। द व्हीकल्स, और जो वाहन होते हैं, स्पेशली द ट्रक्स, विशेष रूप से जो ट्रक होते हैं, है ना, मेक लिविंग अनवियरेबल, वो जीवन को असह्य बना देते हैं, सहन असहनीय बना देते हैं, मेक लिविंग अनबियरेबल, वो जीवन को असहनीय बना देते हैं। द इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न, और जो जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो हॉर्न बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली, ना केवल तेजी से हॉर्न बजाते हैं, बट ऑल्सो इनसेसेंटली, बल्कि लगातार बजाते हैं, पों 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 पों, इस तरह से वो ध्वनि सी निकलती है उसमें से, ठीक है ना। तो वो हॉर्न बजाते हैं, बहुत तेज आवाज में बजाते हैं, और उसके साथ साथ वो इनसेसेंटली, है ना, बिना रुके बजाते रहते हैं, उस पर हाथ रख लेते हैं हॉर्न के ऊपर, और बस बजाते ही रहते हैं, बजाते ही रहते हैं, बजाते ही रहते हैं। एंड दैट टू ऑफन, और उनको आदत पड़ जाती है, यानी उनको पता नहीं चलता, आदत पड़ जाती है, और टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के बजाने लग जाते हैं कई बार तो, ठीक है ना। तो क्योंकि सीधा उनका हाथ कहाँ जाता है, उस हॉर्न पे ही जाता है। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ अवर पीपुल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स अवर एफिशियंसी, है ना बेटा, पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन ये जो नॉइज पॉल्यूशन है, ये हमारी कार्यक्षमता को क्या कर देता है, बहुत हद तक प्रभावित कर देता है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिविक सेंस, है ना, नागरिक बोध की कमी की वजह से जो ये हम पैदा कर रहे हैं, और हमारे जो केयरलेस सोशल बिहेवियर की वजह से हम ये जो कर रहे हैं, है ना,
अनदेखे सामाजिक व्यवहार की वजह से जो हम ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन, ये मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ पीपल, ये हमारे लोगों की संवेदनाओं को ख़त्म कर देता है, मार देता है, संवेदनाओं को ख़त्म कर देता है। मार का मतलब मारना ही है ना, मार देता है एट लार्ज, काफ़ी हद तक, एंड अफेक्ट्स अवर एफिशिएंसी, और यह हमारी दक्षता को क्या करता है, प्रभावित करता है, है ना। तो लेखक उन छोटी छोटी बातों में जिन्होंने कि हमारे देश की ग्लोरी को क्या कर रखा है, हैम्पर कर रखा है, उसमें सबसे फर्स्ट नाम लेखक किसका देते हैं, नॉइज पॉल्यूशन का, ठीक है ना। अब इसके बाद में सेकंड आता है ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा यात्रा, ठीक है ना, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा यात्रा, जैसे मैंने बताया था पहले आपको, है ना, लोग कभी भी उससे नहीं चढ़ेंगे, क्या नाम है ना, पंक्ति बना के, लाइन बना के नहीं चढ़ेंगे, बस एक धक्का मुक्की करेंगे और दरवाजे पे लटके रहते हैं, कोई चढ़ ही नहीं पाता है, और अगर माना लाइन लगा के चढ़ें तो फट से। और दूसरा आपने देखा होगा कि बस में लोग उतरने नहीं देते हैं लोगों को, उससे पहले घुसने की कोशिश करते हैं, अरे भाई पहले जो उतर रहे हैं उनको तो उतरने दो, है ना, अगर कंडक्टर नहीं खड़ा हो तो लोगों को उतरने नहीं दें, खुद ही घुस जाएं उसमें पहले, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी सामाजिक व्यवहार की बातें हैं जिनके बारे में लेखक ने बताया गया है। ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा यात्रा, वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बेटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। हम सब ने, लेखक कह रहे हैं, हम सब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सार्वजनिक परिवहन के द्वारा यात्राएं की होंगी, ट्रेन या बस के द्वारा, और हमने एंड हैव हैड मैनी, और हमने बहुत सारे खट्टे मीठे, है ना, मीठे तो खैर नहीं होंगे वो, खट्टे और कड़वे, है ना, और दुख भरे सैड अनुभव हमारे होंगे, हमने इस तरह के अनुभव प्राप्त किए होंगे। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, ऑर्डरली क्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, अनुशासित रूप से, है ना, एक पंक्ति बना के, एक क्रम में, एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट, चाहे टिकट खरीदने के समय की बात हो, और बोर्डिंग द ट्रेन और बस, चाहे ट्रेन या बस में चढ़ने के समय की बात हो, इज रेयरली फॉलोड, ये मुश्किल से ही इसका पालन किया जाता है। तो चाहे टिकट खरीद रहे हों या बस या ट्रेन में चढ़ रहे हों, उस समय जो पंक्ति बना के, कतार बना के, जो अनुशासित तरीके से जो उसमें ये काम करने वाला जो सिस्टम है, उसको मुश्किल से ही फॉलो किया जाता, अर्थात फॉलो ही नहीं किया जाता है। एवरी वन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, हर व्यक्ति अपने खुद के फायदे के लिए, फ्लाउट्स, है ना, फ्लाउट्स का मतलब होता है तोड़ता है वो, ठीक है ना, फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, वो छीन लेता है, फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, अन्य लोग, दूसरे लोगों के जो जेन्युइन अधिकार हैं, है ना, जो उनके वास्तविक जो उनका हक है, उसको भी वो लोग खुद के स्वार्थ के चक्कर में उनको भी क्या कर लेते हैं, वो छीन लेते हैं, ठीक है ना। फ्लाउट का मतलब फॉलो नहीं करना, ठीक है ना, या छीन लेना, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में वो लोग दूसरों के जो जेन्युइन अधिकार होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, अब तुमने देखा होगा कि जो लोगों को सीट पहले ही मिल चुकी है ना, जो ऑक्यूपाई कर रखी है जिन्होंने सीट ले रखी है या घेर रखी है, वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट, वो बड़ी, है ना, मुश्किल से, है ना, बड़े उससे रिलक्टेंटली, प्रतिरोध के साथ में परमिट अदर्स, दूसरों को परमिट करते हैं टू सिट, बैठने के लिए दूसरों को बड़ी मुश्किल से बैठने देते हैं, इवन ऑन द नेवरिंग वेकेंट सीट, यहाँ तक कि जो बगल वाली खाली सीट है उस पर भी लोगों को बैठने नहीं देते, कहते हो आ रहा है अभी इस पर, अच्छा भले कोई नहीं आ रहा हो। अब कई बार आपने देखा होगा रूमाल रख देते हैं, कोई तौलिया रख देता है, कोई चीज़ रख देता है ना, तो बड़ा जोर आता है उनको, खाली सीट पर भी वो नहीं बैठने देना चाहते हैं, ठीक है ना। वेन दे डू सो, और अगर माना वो बैठने भी देंगे वो, है ना, तो थोड़े से सर कहेंगे बस, ठीक है ना, दो सीट में से डेढ़ सीट की जगह पे खुद बैठेंगे, आधे पे दूसरे को बैठने देंगे बेचारे को, फिर वो तो बाद में धीरे धीरे धक्का मार मार के वो सरका देता है उसको साइड में, है ना। तो वेन दे डू सो, जब वो ऐसा करते हैं, जब वो दूसरों को रिलक्टेंटली, है ना, प्रतिरोध के साथ जब वो सीट देते हैं, तो वो ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट ऑल्सो, तो वो उस आधी खाली सीट को भी घड़प लेते हैं, उसको भी कब्जा उसके, है ना, आधी खाली सीट पे भी अपना कब्जा जमाए रखते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियली स्टेट्स देम, है ना, जरूरतमंदों
विचार ऑफ गिविंग हेल्प, है ना, हेल्प करने का, है ना, सहायता देने का जो विचार है दूसरे अन्य, है ना, जरूरतमंद लोगों को, ये मुश्किल से ही उनको अंदर से हिलाता है। स्टिर का मतलब हिलाना, यानी उनको झकझोरता है। दूसरों की मदद करने का जो विचार है ये मुश्किल से ही उनके मन को झकझोरता है। सम पीपुल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स, है ना। अब देखो लोग गंदा कर देते हैं, पान चबा चबा के उसमें बस में थूक देंगे, ट्रेन में थूक देंगे। अरे भाई, तुम लोगों ने यात्रा करने का पैसा दिया है, इसको गंदा करने का पैसा थोड़ी दिया है। सम पीपुल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग, च्यूइंग यानी चबाना, बीटल्स पान विद टोबैको, तंबाकू के, तंबाकू वाला पान चबाने का, है ना, तंबाकू की जो पान की पत्तियां होते हैं उनको चबाने का उनको शौक होता है। दे स्पिट एंड स्पिट, वो थूकते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार, ऑल अराउंड, चारों ओर, शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं दर्शाते हुए वो इधर उधर थूकते रहते हैं। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने यात्रा करने का पैसा दिया है, एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस, ना कि ट्रेन और बस को बिगाड़ने का, उसको गंदा करने का पैसा दिया है। दे थ्रो ऑल रविश एंड लेफ्ट ओवर्स, वे फेंक देते हैं गंदगी, है ना, रविश का मतलब क्या होता है, गंदगी, एंड लेफ्ट ओवर्स यानी बची खुची चीज़, है ना, कई लोगों से खाना पीना खाया और वहीं बाकी वहीं पटक दिया, उसको बच गया तो उसको नीचे पटक दिया, गंदा कर दिया, ठीक है ना। दे थ्रो ऑल रविश, वो फेंक देते हैं सब गंदगी को और बची खुची चीज़ों को, वेयर एवर दे सो डिजायर, जहाँ भी उनकी इच्छा होती है, डिजायर यानी इच्छा होती है, जहाँ भी उनकी मर्जी आए वहीं पर उसको पटक देते हैं। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारा जो सार्वजनिक परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन में बेटा बस, जो सरकारी बसें होती हैं वो, ट्रेन, है ना, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है, है ना, सिटी बस हों चाहे वैसी वाली बस हों, रोडवेज वाली, है ना। तो अब हमारा जो सार्वजनिक परिवहन है, हमारी, अवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, हमारी सड़कें और हमारी गलियां, अवर पब्लिक प्लेसेस, हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं, अवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, और जो भवन हैं, सार्वजनिक जो हमारे स्थान हैं और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, आर सीन लिटर्ड, उनको गंदा पाया जाता है। लिटर्ड, लिटर माने क्या होता है, गंदगी, उनको गंदगी युक्त पाया जाता है, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज, है ना, हर प्रकार के बदबू मारते हुए सामानों के द्वारा, है ना। तो क्योंकि जिस चीज़ें सड़ने लग जाती हैं तो उनमें से क्या मारने लग जाती है, बदबू मार, तो स्टिंकिंग, स्टिंग यानी बदबू मारते हुए, रिफ्यूज यानी कूड़ा कचरा, तो हर प्रकार के, है ना, बदबू मारते हुए कूड़े कचरे से हमारे जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, है ना, सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक बिल्डिंग्स हैं, वो सब गंदगी से अटे पड़े रहते हैं, और वहाँ पे उन कचरों में से, गंदगी में से क्या मारती रहती है, भयंकर बदबू मारती रहती है। दैट टेल्स अपॉन अवर हेल्थ एंड विगर, जो कि हमारे स्वास्थ्य को और हमारी क्षमता को, शक्ति को, विगर, विगर का मतलब हमारी जो शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, उसको टेल्स अपॉन, उस पर क्या लेती है वो, है ना, उसको बुरी तरह से प्रभावित करती है, है ना, टेल्स अपॉन यानी उसके साथ क्या करती है वो, दैट टेल्स अपॉन द हेल्थ एंड विगर, वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी जो कार्य क्षमता है ना, उसको ऋणात्मक रूप से, है ना, नेगेटिवली उसको प्रभावित करती है। आप देखो बेटा, आपने देखा होगा जो सिगरेट होती है ना, सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी रहती है ना, कि स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी सिगरेट का धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो पहले तो सिर्फ इतना ही लिखा आता था, बहुत बारीक बारीक अक्षरों में लिखा था, तो लोग पढ़ते ही नहीं थे उसको। फिर सरकार ने सोचा, यार ये लोग पढ़ते नहीं है, चलो हम ऐसा करते हैं, अब इन पर चित्र छापेंगे, है ना, तो वो उस पर जो है ना, वो खतरे का निशान जैसे होते हैं ना, हड्डी और वो खोपड़ी होती है ना, स्कल जो होता है, वो छापने लगे। फिर भी लोग उसको भी अनदेखा करने लग गए। फिर यहाँ तक कि सरकार ने ये जो पिक्टोरियल चेतावनी है, चित्रात्मक चेतावनी, उस पर छापना शुरू कर दिया। उसमें बेटा कैंसर युक्त चेहरा दिखाया जाता है, गल रहा है किसी व्यक्ति का, सड़ रहा है चेहरा, है ना, घाव पड़ रहे हैं उसके चेहरे पे, ऐसे चेहरे का चित्र उस पर छापा हुआ होता है,
है ना, चाहे वो जर्दे का पैकेट हो, गुटके का पैकेट हो या सिगरेट का पैकेट हो, लेकिन लोग फिर भी उन चीज़ों को भी अनदेखा कर देते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ स्टैचुअरी वार्निंग, वैज्ञानिक चेतावनी के बावजूद भी, इन स्पाइट नहीं बावजूद, स्टैचुअरी वार्निंग, वैज्ञानिक चेतावनी के बावजूद भी स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या लिखा रहता है उस चेतावनी में कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस वैज्ञानिक चेतावनी के बावजूद भी वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीड़ीज, हम नहीं पाते हैं कोई भी गिरावट, स्लम्प यानी गिरावट नहीं पाते हैं सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में, है ना। यानी इतनी ये जो है, ये वैज्ञानिक चेतावनी लिखी होने के बावजूद भी सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में कोई गिरावट हमको दिखाई नहीं देती है, अर्थात और उल्टी उनकी बिक्री क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। द पिटी इज, है ना, अफसोस की बात यह है, पिटीज का मतलब अफसोस की बात यह है, स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट, कि जो धूम्रपान करने वाले होते हैं वो खुद के मजे ही मजे में, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपुल अराउंड देम, वो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। समटाइम्स, कभी कभी तो द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, है ना, जैसे देखा वो उसके अंदर ट्रेन में धूम्रपान कर ले जाते हैं तो वहीं पे घुमड़ा जाती है वो धुआं, बस के अंदर बीड़ी पीने लग जाते हैं लोग, सिगरेट पीने लग जाते हैं, है ना। तो समटाइम्स, कभी कभी द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, कभी कभी जो आसपास है ना वो इतना ज़्यादा सांस लेने के लिए भी क्या हो जाता है, वो अनफिट हो जाता है, यानी सांस लेना भी दूभर हो जाता है। और पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, है ना, जो पैसिव स्मोकिंग होती है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग में जो व्यक्ति खुद स्मोकिंग कर रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग हो गई, उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसको जबरदस्ती सूंघनी पड़ रही है, उसके बगल में बैठा हुआ है ना, वो पैसिव स्मोकिंग कहलाती है ना, वो पैसिव स्मोकर कहलाता है। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है ना, परोक्ष धूम्रपान जो होता है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है उल्टा, क्योंकि वो उसकी तो शरीर क्या है, उसके आदी हो गया और उसको तो उसको आदत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो बेटा अब इससे अगले वीडियो में हम ये थर्ड ट्रैफिक सेंस, है ना, फिर ये फोर्थ एनक्रोचमेंट, और फिर ये क्लीनलाइनेस, और धरनाबंद रेल रोको, ये पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।